अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम करने लगे हैं हमारे लोकल एनेस्थीसिया में अगला टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड इट इज अबाउट योर न्यू एक्सियल ब्लॉक्स। ठीक है, हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स में जो डिटेल में करने वाली चीजें वो सिर्फ और सिर्फ यही है स्पाइनल और एपिड्यूरल। बाकी पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स में आपको थोड़ा बहुत लाजमी कराऊंगी और इन्फिल्ट्रेशन और टॉपिकल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आता है, ये आपने करने हैं। फिंगर टिप्स होने चाहिए इनकी हर बात, एससीक्यू एमसीक्यू ओएवओएसपी हर चीज में आती है। ठीक है, अच्छा, अब स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने कब देना होता है, ये कहाँ लगाना होता है, इसमें किस तरह लगाते हैं, सब कुछ बात करते हैं। तो न्यू एक्सियल ब्लॉक्स मैंने आपको पहले भी कहा था, नाम से पता चल रहा है कि एक्सेस ऑफ द बॉडी में इनको कहीं लगाना है। और एक्सेस ऑफ द बॉडी हमारा वो है जो हमारी स्पाइन बना रही है। ऐसे बंदा खड़ा है ना, ये उसका सर है, ये उसकी कमर है और यहाँ पर जहां खत्म होती है वहां उसकी टांगे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सेस ऑफ द बॉडी, ये आपकी जो कमर है, सेंटर है। और एक्सेस ऑफ द बॉडी बनता है हमारे सारे वर्टेब्रल कॉलम से, हमारी स्पाइन से। अब स्पाइन कैसे बनी हुई होती है, जरा सी एनाटॉमी रिवाइज करते हैं। ऊपर से शुरू होती है सर्वाइकल वर्टेब्राज और खत्म होती है कॉक्सीजियल वर्टेब्राज पे। 7 सर्वाइकल वर्टेब्राज होती है, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, 5 सैक्रल होती है और एक फ्यूज्ड कॉक्सिक्स होती है। ठीक है, सैक्रल और एक कॉक्सिक्स होती है जो 4-5 की फ्यूज होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो पूरी हमारी स्पाइन है, इसके अंदर आपको पता है कि रन कर रही होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके सर में जब ब्रेन स्टेम खत्म होती है वहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, यानी C1 वर्टेब्रा से शुरू हो जाती है। और एंड कहां पर करती है, एंड कर देती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड अप टू योर लेवल ऑफ L1 वर्टेब्रा। ये बात नहीं भूलनी, L1 वर्टेब्रा के लेवल पे, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद वाली जो स्पाइन है इसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ कुछ फाइबर्स होते हैं जिसको हम कॉर्डा इक्विना कहते हैं। ठीक है, ये सारी एनाटॉमी थी। अब हमने और एडल्ट्स में लेवल L1 है, जबकि जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है L3 के लेवल पे। ठीक है, याद रखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब हमने क्या करना है, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड पहले जरा सी और एनाटॉमी की बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी आ गई ये वाली। ठीक है, कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में सबसे पहले होती है मेनिंजीज। मेनिंजीज में अंदर से बाहर की तरफ आए तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड की होती है, इट इज योर पाया मैटर। उसके बाद आती है एरेक्नोइड मैटर, उसके बाद आता है ड्यूरा मैटर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे CSF होता है, पाया और एरेक्नोइड के दरमियान में, सब एरेक्नोइड स्पेस में CSF पड़ा होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द ये मेनिंजीज है और इसके बाद हमारे पास पड़े हुए हैं वर्टेब्रा, हमारी सारी वर्टेब्राज जिनके अंदर ये सब कुछ है, और वर्टेब्राज पे डिफरेंट लिगामेंट्स अटैच है। ठीक होगी ये बात। अच्छा जी, अब हमारा काम ये होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने देना होता है पेशेंट को इनसाइड दिस CSF। ठीक है, यानी सब एरेक्नोइड स्पेस में। और फिर हमने जब पेशेंट को ऐसा एनेस्थीसिया देना है तो हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इसको जब CSF में देंगे तो ये आसपास पे नर्व्स पे इफेक्ट करेगा और आपकी नर्व्स को ब्लॉक कर देगा। हम इसको देते हमेशा उस जगह पे जहां पर स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होने का, इंजर होने का खतरा भी कम से कम हो, और ऐसी कोई भी नर्व एनेस्थेटाइज ना हो जिसका रोल हमारे मेजर बॉडी के ऑर्गन्स पे जा रहे हैं, यानी हार्ट और ब्रेन और रेस्पिरेटरी मसल्स और इन चीजों पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो अच्छा लेवल है वो L4 और L5 वर्टेब्रा के दरमियान में है, और हम दे सकते हैं L3 और L4 के दरमियान में भी। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड L1 पे एंड कर चुकी होती है। जब वो L1 पे एंड कर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम उसके नीचे किसी भी जगह पर देंगे तो ज्यादा सेफ होगा और इंजरी का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की। अगर हम बाहर से नीडल लेके आ रहे हैं, हमने स्किन को किया, सबक्यूटेनियस टिश्यू को किया, लिगामेंट्स को पियर्स किया, ड्यूरा मैटर को किया, एरेक्नोइड को किया, और हम पहुंच गए CSF में, अगर CSF के बाद पाया पड़ा हुआ और पाया के बाद स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई, तो बहुत खतरा है कि हम स्पाइनल कॉर्ड को इंजर कर दें। लेकिन अगर CSF के बाद पाया पड़ा हुआ और पाया के बाद स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं, तो जाहिर खतरा नहीं है। तो जाहिर है हम खतरे से बचने के लिए L4 L5 के दरमियान में देना सबसे अच्छा समझते हैं। दिस इज द आइडियल लोकेशन एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमने ब्लॉक करना L4 L5 में देंगे तो जाहिर इससे नीचे वाला एरिया ब्लॉक हो जाएगा, इससे नीचे आपका पेल्विस और लोअर लिम का सारा एरिया आ जाता है। पेल्विस और लोअर लिम की जितनी सर्जरीज है, हमारी पहली प्रेफरेंस होती है कि हम उनको स्पाइनल में करें, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, कि उसकी कंडीशन कैसी है और क्या क्या चीजें हैं जो कि उसको इफेक्ट कर रही है, लेकिन हमारी पहली रिक्वायरमेंट या प्रेफरेंस यही होती है कि उसको करें। इसमें आपके हर्नियाज जितने हैं, आपकी जो इंग्वाइनल हर्नियाज है, आपकी लोअर लिम सर्जरीज हैं, किसी की कोई गायनेकोलॉजिकल जितने भी आपके चीजें आ रही है, यूट्रस वगैरह पे हो रही है, वो सारे आप इसी में करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमने मैंने कह दिया आपको कि हमारे पास जितनी भी लोअर लिम की और लोअर एरिया की पेल्विस की सर्जरीज होती है उसमें हम इसको देना प्रेफर कर लेते हैं। तो हमने अब मैंने कहा यस, कि अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चलो एक तो हो गया ना कि मैंने कहा कि लगाने का इशू है, इस वजह से हम इसको L4 L5 के दरमियान में लगाते हैं। दूसरा आप ये पूछेंगे, जाहिर सी बात है कि हम
ऊपर क्यों नहीं इसको लगा सकते, मतलब हमने अगर सपोज कोई सर्जरी करनी है इन योर अपर लिम्ब तो हम इसको थ्रेसिक रीजन में लगा दें, थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा ना स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए, तो क्यों मसला क्या है वहां पे। तो मैंने आपसे कहा कि हम किसी भी ऐसी जगह नहीं लगाते जहां पर हमारी ऐसी सिंपैथेटिक नर्व्स जा रही है जो अगर ब्लॉक हो गई तो पेशेंट की जान पे बन सकती है। लोअर लिम्ब में ऐसी कोई सिंपैथेटिक नर्व नहीं जा रही होती, सिवाय इसके एक प्रॉब्लम हो सके, अगर आपने ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉक दे दी या ज्यादा डोज दे दी तो आपका यूरिनरी रिटेंशन का इशू हो सकता है, उसके अलावा यहाँ कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ आपका हार्ट है, इधर आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं और ऊपर आपका ब्रेन है। अगर आपका ये वाला लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो आपने स्पाइनल लगाया है यानी कि आपने सीएसएफ में लगाया, ये गलती से ऊपर चला जाता है कि इसकी ना जब आप सीएसएफ में लगाते हैं तो इसकी मूवमेंट ग्रेविटी के साथ होती है, मतलब पेशेंट की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। अगर पेशेंट की पोजीशन जरा सी टेबल पे सीधा पेशेंट लटाया है आपने और वो टेबल जरा और यहाँ पर उसका सर है, अगर टेबल जरा सा ऐसे हो गया ना और सर पेशेंट का नीचे चला गया तो क्या होगा, ये एनेस्थेटिक एजेंट सीएसएफ में ग्रेविटी से ट्रेवल करता करता पीछे चला जाएगा और जब ग्रेविटी के साथ पीछे जाता जाएगा उतना ही ज्यादा लेवल को ये ब्लॉक करता जाएगा। और अगर ये ऊपर चला जाता है और थ्रेसिक वर्टेब्रा तक पहुंच जाते तो हम कहते हैं कि हाई स्पाइनल हो गया ये, ठीक है। हाई स्पाइनल एक कॉम्प्लिकेशन होती है, ये ठीक बात नहीं होती। और अगर ये चलता चलता आपकी सर्वाइकल वर्टेब्रा तक पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि दिस इज नाउ टोटल स्पाइनल और ये इतनी ग्रेव कॉम्प्लिकेशन होती है कि इट कैन लीड टू पेशेंट्स डेथ, क्योंकि हाई स्पाइनल होता है तो पेशेंट को एकदम से हार्ट पे सिंपैथेटिक सप्लाई सारी ब्लॉक हो जाती है ना, ये आपकी सारी नर्व्स पे इफेक्ट करेगा, नर्व्स पे इफेक्ट करेगा तो सिंपैथेटिक सप्लाई ब्लॉक होगी, सप्लाई ब्लॉक होगी तो क्या होगा आपके पास वहां पर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगी पेशेंट को एकदम से, ठीक है, उसका हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, अगर ज्यादा स्लो हो गया तो पेशेंट कैन लीड टू गोइंग टू शॉक, ठीक है। अगर ये सर्वाइकल पे चला जाता है तो फिर आपका ये ब्रेन पे सिंपैथेटिक नर्व्स और जितनी आपके और एरियाज जा रही है सारी ब्लॉक होंगी तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, ठीक हो गया। तो ये हाई स्पाइनल और टोटल स्पाइनल का कॉम्प्लिकेशन आपने अवॉइड करना होता है और आप ख्याल रखते हैं इस बात का कि ग्रेविटी की वजह से इसकी मूवमेंट नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये है कि हमने लगाया L4 L5 में और हमें चाहिए L1 के लेवल पे तो हम इतना करते हैं कि हम पेशेंट के बेड को थोड़ा सा लगाने के बाद ना नीचे टिल्ट कर देते हैं, जब एनेस्थेटिस्ट को पता चल जाता है कि यस ये अपने लेवल पे पहुंच गया है और आपको उस एरिया में L1 के डर्माटोम में पैरेस्थीजियाज महसूस होंगे, पेशेंट को जाहिर सी बात है उस एरिया की सेंसेशन लॉस हो जाएगी, तो वो वहीं पर टेबल को दोबारा सही कर देते हैं इस वजह से ताकि वो मजीद आगे ना चला जाए। तो ये बात याद रखने की इसकी मूवमेंट ग्रेविटी से एंड वी अवॉइड के वो आगे जाए, ये आपकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। अच्छा, अब आपने लगाना किस तरह होता है, या तो पेशेंट लेटा हुआ होगा उल्टा नहीं करवट पे, या पेशेंट जब वो बैठा होता है, अगर वो लेटा हुआ है अगर वो बैठा हुआ है दोनों केसेस में उसकी स्पाइन कर्व होनी चाहिए, जैसे एक फीटस मदर की वूम में पड़ा हुआ होता है ना किस तरह उसकी स्पाइन कर्व होती है, यूं करके कर्व फीटस पड़ा होता है ना ऐसे करके होता है, ठीक है, ये उसका सर होता है, यूं कर्व स्पाइन होती है, हमें ऐसी कर्व्ड स्पाइन चाहिए। अगर पेशेंट लेटा हुआ है करवट पे करा के उसकी इस तरह उसे कहेंगे कि अपने टांगे और बाजू इस तरह कर लो कि स्पाइन पूरी कर्व हो जाए, अगर बिठाएंगे तो भी उसकी स्पाइन कर्व कराएंगे, ठीक है, दोनों तरह से लगा सकते हैं। इसको हम लेटरल डीक्यूबिटस पोजीशन कहते हैं, जब लेटा के हम कर्व करवाते हैं ना पेशेंट को उसको लेटरल डीक्यूबिटस कहते हैं, ये याद रखना, ये पोजीशन है लेटा के करने वाली। उसमें हमने अब एनाटॉमिकल लैंडमार्क स्किन पे मार्क करना है। L4 L5 का एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है आपका जी आइलिक क्रेस्ट के लेवल पे, यहाँ पर अगर आप फील करें ना खुद अपने आप को फील करें तो आपको अपनी हड्डियां महसूस होंगी जिन पे आप अक्सर अपनी कमर पे जब साइड पे हाथ सपोर्ट करते हैं तो आपकी हड्डियां होती हैं, वो आपकी पेल्विस जो आपकी पेल्विक बोन है उसके आइलिक क्रेस्ट होते हैं। आइलिक क्रेस्ट का जो हाइएस्ट पॉइंट होता है ना दोनों तरफ से हम उधर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो सेंटर में एग्जैक्टली L4 के लेवल पे होता है, उस जगह पर हमने L4 L5 के दरमियान में पियर्स करना होता है और वहां से हम अंदर जाना शुरू करते हैं। अब हमारे पास अगले सवाल ये आता है कि किन किन लेयर्स को हमने पियर्स करके अंदर पहुंचना होता है, तो यू हैव टू पियर स्किन, ये याद रखना है, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट एंड फेशिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सबसे पहले जो लिगामेंट्स आएंगे अब, ठीक है, तो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट आएगा सबसे पहले, ये सारे वो लिगामेंट्स हैं जो आपकी स्पाइनल यानी कि बोन्स के ऊपर लगे हुए, जो वर्टिब्राज के स्पाइनल प्रोसेसेस है ना पीछे की तरफ वो होते हैं ना वर्टिब्रा के स्पाइनल प्रोसेसेस, इनके ऊपर लिगामेंट्स होते हैं। सबसे पहले आएगा सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर आता है इंटरस्पाइनस लिगामेंट, इंटरस्पाइनस, और उसके बाद आ जाता है आपका लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम वर्टिब्रा के अंदर लगा हुआ होता है वर्टेब्रल बॉडीज के, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिगामेंटम फ्लेवम के बाद अब आप पहुंच गए हमारी मेनिंजीज पे, पहले इसके बाद आप पियर्स करेंगे ड्यूरा मैटर को, ड्यूरा के बाद आप करेंगे एरेक्नोइड को, एरेक्नोइड के बाद आप पहुंच गए सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ में, इसके बाद आपने पियर्स नहीं करना, ये सारी लेयर्स हैं और आपने ये लिखनी है याद रखनी है, ठीक है। एरेक्नोइड सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंच गए, आप एस्पिरेट करके देखते हैं तो आपको सीएसएफ आता हुआ महसूस हो जाता है, आप कंफर्म कर लेते हैं कि ये वही है जी, पता चल जाता है, आप उसको नीडल को प्लेस करेंगे और उसको आप अंदर होल्ड करके पक्का फिक्स कर देंगे।
ठीक है, जाहिर है मतलब नीडल तो नहीं फिक्स करते, उसके बाद जो भी आपने डालना होता है वो फिक्स करके, और उसके बाद आप अपना एनेस्थेटिक एजेंट इंजेक्ट कर देते हैं। एनेस्थेटिक की डोज इसमें बहुत थोड़ी होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में एनेस्थेटिक भी आपका इसमें बड़े अच्छे तरीके से असर कर जाने की वजह से आपने बिल्कुल भी ज्यादा डोज देके पागल नहीं होना होता। 2.5 से 3.5 ml आपका बुप्रोपेन होगा तो वो आपको काफी हो जाएगा, मतलब बहुत थोड़ा सा होता है। जब आप एनेस्थेटिक एजेंट देंगे थोड़ी देर में उसका असर शुरू हो जाता है, तो पेशेंट का लोअर एरिया सारा का सारा उसको फील नहीं होता, वो मूव नहीं कर सकता, तो आपको समझ आ जाता है कि इसका असर हो गया। ग्रेविटी का आपने ख्याल रखना है कि वो नीचे ना चला जाए। अब हमारे पास आ जाती है इसकी एडवांटेजेस, ये है हमारे पास कि इसमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस लूज नहीं होती, वो अपने होशो हवास में होता है, सस्ता मेथड है और ज्यादा जीए की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती इसमें, हम आराम से उनसे बच सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि सारी चीजें हमारे लिए बेहतर ही होती है, आसानी होती है। सिर्फ और सिर्फ जिसका डिसएडवांटेज है वो ये कि पेशेंट कवर में टीका लगता है और उसको वो जाग रहा होता है तो उसको लगता है तो उसको बड़ा डर सा होता है, मतलब पेशेंट की एंजाइटी का लेवल ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब अगला सवाल ना जो हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया में बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसकी कॉम्प्लिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपका क्वेश्चन हर पार्ट के साथ आता है, आपने पक्की पक्की सारी याद रखनी है। एमसीक्यूज में अक्सर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट नहीं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया एक्सेप्ट। तो ये आपका सवाल इतना ज्यादा आता है एमसीक्यू में, एससीक्यू में, कोई बात ही नहीं है। और आपकी डोगर में बिल्कुल लाइन वाइज सारी की सारी लिखी हुई है और बहुत अच्छे से लिखी हुई है। सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि जो कॉन्ट्राइंडिकेशन की जब आप बात करते हैं ना, तो सबसे पहली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पेशेंट्स रिफ्यूजल। ठीक है, आपके पास एमसीक्यू आता है कि द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो रिफ्यूजल ऑफ पेशेंट। आपने पेशेंट को मनाने की पूरी कोशिश की है कि उसके लिए जरूरी है, उसे बता दिया है, वो कहते हैं नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, आप नहीं लगाएंगे। पहली सबसे चीज आएगी ये एमसीक्यू आता है, उसके साथ आपको लिखते थे वो हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, सेप्सिस सारी है, लेकिन ये पहली है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि पेशेंट किसी जनरलाइज्ड सेप्सिस में, यानी इसको जनरलाइज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसको कोई लोकल इन्फेक्शन उस जगह पे हुआ है, तो जाहिर है आप कभी भी नहीं लगाएंगे। सवेयर डिजीज है किसी भी किस्म की, और खास तौर पे आपकी हार्ट डिजीज, ठीक है, सवेयर है, वेवलर हार्ट डिजीज, कार्डिक आउटपुट का कोई मसला है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर रेज्ड है, तो जाहिर सी बात है आप सीएसएफ पंक्चर करेंगे तो सीएसएफ लीक हो जाएगा। तो ये सारी होती हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बुक में लिखी हुई है, कोई नई बात नहीं है। रिलेटिव में ये है कि पेशेंट किसी एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे है, क्योंकि एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे अगर होगा तो उसकी क्लॉटिंग प्रोफाइल हुई भी होगी डीरेंज। ऐसे में अगर आपने कहीं आर्टरी वगैरह को पंक्चर कर दिया तो उसका क्लॉट बन जाएगा और क्लॉट फिर तबाही मचा देगा। ठीक है, और क्लॉट हो सकता है ना बने, क्योंकि एंटीप्लेटलेट थेरेपी से जब होता है सॉरी तो क्लॉट नहीं बनता और पेशेंट ब्लीड कर करके मर जाता है बेचारा, हेमाटोमा बन जाता है, एब्सेस बन जाती है वगैरह वगैरह, तो इसमें नहीं लगाना। बहुत ज्यादा कमर में दर्द वालों को नहीं लगाना, सीएनएस डिजीज और हाइपोवोलेमिया वालों को नहीं लगाना, ये होती है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। बाकी बात अगले पार्ट में करेंगे, कोई मसला यू कैन आस्क मी, थैंक यू।